नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाएंगे फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर का जो ड्यूज पेमेंट है, तो कैसे करके आप डेबिट कार्ड से कैसे करके पेमेंट कर सकते हो, इस वीडियो में आपको टोटल दिखाएंगे। तो वीडियो नॉलेजेबल होगा, वीडियो आप अंत तक देखना। तो दोस्तों, मैं अर्घु विश्वास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट का पे लेटर कैसे पा सकते हो और कैसे करके उसका बहुत सारे मेरा वीडियो है। आप मेरा चैनल पर प्ले लिस्ट में और मैं आई बटन में और मैं इन स्क्रीन में दे दूंगा। फ्लिपकार्ट का मैं ऑलरेडी 13 वीडियो में आपको कर चुका, मेरा चैनल पर बहुत सारे वीडियो है। आप कैसे करके आप KYC कर सकते हो, कैसे करके आप फ्लिपकार्ट में कैसे करके आप अकाउंट पे लेटर का कैसे करके आप एक्टिव कर सकते हो, सब वीडियो है पे लिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, फ्लिपकार्ट का पे लेटर का जो ड्यूज पेमेंट है, तो कैसे करके आप पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड से, इस वीडियो में आपको बोलेंगे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार, आज हम सीखेंगे फ्लिपकार्ट का जो ड्यू पेमेंट कैसे आप डेबिट कार्ड से कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। मेरा बहुत सारे वीडियो है फ्लिपकार्ट पे लेटर KYC कैसे आप एक्टिव करोगे, क्या क्या वो मेरा प्ले लिस्ट है, वो मैं आपको आई बटन में और एन स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए कैसे हम फ्लिपकार्ट का पे लेटर हम पेमेंट करेंगे डेबिट कार्ड से। तो इधर में देखिए थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो माई अकाउंट, ठीक है। तो माई अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे। मेरा टोटल जो फ्लिपकार्ट का क्रेडिट मुझको मिलता है 7000 और मेरा जो ड्यू पेमेंट है 859, ठीक है। तो हम व्यूज डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो, देखिए इसमें एक बड़ा इन्फॉर्मेशन है। आपको पहले जब भी आप शॉपिंग करोगे नेक्स्ट मंथ में आपको 10 डेट में आपको पेमेंट करना जरूरी था, लेकिन अभी 5 हो गया। मतलब जब भी आप शॉपिंग करोगे आपको 5 नेक्स्ट मंथ का 5 तारीख में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए 5 जून, ठीक है। पहले आपको पे पर क्लिक करना पड़ेगा। हम पे पर क्लिक कर देते हैं। देखिए इसमें पे लेस फॉर नाउ, मतलब आपके पास अभी पैसा कम है तो आप कम दे के आप पेमेंट कर सकते हो। तो मेरे को मिनिमम 145 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझको 60 रुपीज़ मुझको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हम टोटल पेमेंट कर देंगे। तो इसमें हम पे पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पे पर क्लिक करने के बाद इधर में पे पर क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ATM से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आप EMI आप नहीं कर सकते हो, नेट बैंकिंग आप से पेमेंट नहीं कर सकते, और कैश ऑन डिलीवरी से पेमेंट नहीं कर सकते, और गिफ्ट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। मेरे पास गिफ्ट कार्ड है लेकिन मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो हम अभी आपको दिखाएंगे हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। PIN नंबर मुझको देना पड़ेगा, PIN नंबर मैं दे लेता हूँ। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम जल्दी से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। मोबाइल नंबर से एक्टिव है, उसमें एक OTP जेनरेट होगा, भी एक के OTP आएगा। तो हम मैं जल्दी से OTP को दे दूंगा। OTP आ गया, फिर मेक पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग योर पेमेंट, देखिए मेरा ऑटोमेटिक सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया मेरा पेमेंट। देखिए योर पेमेंट हैज बीन रिसीव। तो ऐसे करके आप इसे देखिए मेरा मेल पर मैसेज भी आ गया। तो ऐसे करके आप आसानी से फ्लिपकार्ट पे लेटर का ड्यूज पेमेंट आप डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, फ्लिपकार्ट का पे लेटर ड्यूज पेमेंट आप आसानी से कर सकते हो। और फ्लिपकार्ट का जो नया रूल्स है, मैं वीडियो खत्म होने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी आप शॉपिंग करोगे आपको नेक्स्ट महीना
और 5 तारीख में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसका डिटेल्स एक अपडेट वीडियो है का मैं आई बटन में हम दे देंगे, वो आपके आप शॉपिंग कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को आप जरूर से आप शेयर कर दीजिए आपके फेसबुक व्हाट्सएप में जो आदमी फ्लिपकार्ट पे लेटर का डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा। और इस वीडियो को आप जरूर से आप लाइक कीजिए, आपका लाइक मुझको बहुत असर देता है नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने के लिए। फिर आएंगे नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। मेरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।